गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग जीव विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है तथा इन सूक्ष्म जीवों का घरेलू उत्पादों और औद्योगिक उत्पादन में क्या महत्व है। या फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है बच्चों कि सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग लिखिए, या कभी कभी पूछ लेता है कि सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग लिखिए। तो बच्चों, ये सूक्ष्म जीव का घरेलू उत्पाद में क्या यूज है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बच्चों 14 में आया है, 15 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया, 18 में आया है, 19 में आया है और 22 में आया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें से कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे घरेलू उत्पाद में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए, कुछ सूक्ष्म जीव तो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं और हमें डिजीज कंडीशन में ले जाते हैं, लेकिन बच्चों कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। हम जितने भी घरेलू उत्पाद यूज करते हैं उसमें से बहुत से घरेलू उत्पाद क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों से ही बनते हैं। तो इसलिए हम प्रतिदिन बच्चों बहुत सी चीजों का अपने जीवन में उपयोग करते हैं जो सूक्ष्म जीव से उत्पन्न पदार्थ होते हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, हम प्रतिदिन क्या करते हैं, हम प्रतिदिन, अभी हमने बताया कि हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों और उनसे व्युत्पन्न पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण बच्चों क्या है, दूध से दही बनना है। ये जो दूध से दही बनना है बच्चों, इसमें भी सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं बच्चों क्या, लैक्टोबैसिलस, या इसे हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो बच्चों, जो ये लैक्टोबैसिलस होता है या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है और दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से बच्चों, यदि ये सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं, अगर ये नहीं होगा तो दूध में जो दही का हम कन्वर्जन करते हैं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही बच्चों लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है। जब लैक्टिक अम्ल उत्पन्न कर देता है तो ये दूध दही में बदल जाता है। ये क्या करता है, ये दूध की शर्करा जो होती है, दूध में जो सुगर होता है लैक्टोज, उसको किस में बदलता है, लैक्टिक एसिड में बदलता है। फिर क्या करता है, ये जो लैक्टिक एसिड होता है वो दूध में जो प्रोटीन होती है केसीन, उसको जमा देता है और दही में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों, ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस कैसे दूध को दही में कन्वर्ट करता है। हम सभी जानते हैं दूध में क्या होती है, दूध में लैक्टोज सुगर होती है। जो लैक्टोज सुगर होती है ये बैक्टीरिया लैक्टोज सुगर को किस में बदलता है, लैक्टिक एसिड में। फिर लैक्टिक एसिड क्या करता है, दूध में जो कैसीन प्रोटीन होती है उसको जमा देती है और उसे दही में परिवर्तित कर देती है। और ये जीवाणु जो लैक्टोबैसिलस है, दूध से क्या कर देता है, इस तरीके से लैक्टोज को निकाल देता है, क्योंकि वो लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। फिर भी बच्चों क्या होता है कि बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज वाले दूध पीने से एलर्जी हो जाती है। ये जीवाणु और क्या करता है, लैक्टोबैसिलस बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करता है
और क्या काम करता है? विटामिन B12 उत्पन्न करने के साथ साथ ये सड़ाने वाले जो जीवाणु होते हैं या हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। मतलब ये जो भी जीवाणु हैं जो सड़ाने का काम करते हैं और जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है इनकी वृद्धि को भी रोकता है। इसके अतिरिक्त बच्चों हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक तो हमने बताया दूध से दही का बनना जो है उसमें सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दूध में जो उपस्थित होता है लैक्टोज शुगर उसको लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट करता है। फिर जो ये लैक्टिक अम्ल होता है वो क्या करता है बच्चों, वो दूध की प्रोटीन को कैसीन में जमा कर दही में परिवर्तित कर देता है। इस तरीके से बच्चों हमें क्या मिल जाता है, दूध से दही मिल जाता है। इसके अतिरिक्त हम सूक्ष्म जीव का प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों, डोसा में, इडली में, ब्रेड आदि को बनाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। जो क्या करते हैं, दाल, चावल के आटे और मैदे को क्या कर देते हैं, स्पंजित कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीव का प्रयोग बच्चों हम कई जगह करते हैं, दूध से दही को बनाने में करते हैं, डोसा, इडली, ब्रेड आदि बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको बनाने में हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। अभी आपने देखा बच्चों कि सूक्ष्म जीव का घरेलू उत्पादन में क्या योगदान है। अब हम पढ़ेंगे क्या कि औद्योगिकीय और औषधीय उत्पादन में सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है। तो बच्चों आजकल औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म जीवों का क्या किया जाता है, बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों में हमें कोई भी चीज जो है बहुत बड़ी मात्रा या हम कह सकते हैं बहुत लार्ज स्केल में बनानी होती है, इसलिए हम औद्योगिक क्षेत्रों में क्या करते हैं बच्चों, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। आपने एक सूक्ष्म जीव का नाम सुना होगा, ईस्ट है उसका नाम, सैक्रोमाइसिस। ईस्ट जो है सैक्रोमाइसिस एक विशेष प्रकार का सूक्ष्म जीव है, ईस्ट सैक्रोमाइसिस। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बहुत पुराने समय से ही बच्चों इसका प्रयोग वाइन में, बियर में, ब्रांडी में, रम में आदि के उत्पादन में किया जा रहा है। क्योंकि ये सब प्रोडक्ट हमें कैसे चाहिए, बहुत लार्ज स्केल में चाहिए। तो अगर क्वेश्चन कभी ये पूछा जाए कि कौन सा ईस्ट जो होता है बियर, ब्रांडी, वाइन, रम आदि बनाने में उसका उपयोग किया जाता है, तो बच्चों सैक्रोमाइसिस ईस्ट होता है। इसका प्राचीन काल से ही वाइन, बियर, ब्रांडी, रम आदि बनाने में इसका उपयोग किया जा रहा है। और सूक्ष्म जीवों के द्वारा अभी हमने बताया औषधीय उत्पादन में भी इनका महत्व है। तो इससे क्या बनाया जाता है, इससे बच्चों एक एंटीबायोटिक्स का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे एक प्रमुख एंटीबायोटिक पेंसिलीन का नाम आपने सुना होगा, इसका उत्पादन किससे किया जाता है, एक पेंसिलीनियम नोटेटम नामक सूक्ष्म जीव होता है उससे हम एक प्रमुख एंटीबायोटिक पेंसिलीन का उत्पादन करते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग, एक सूक्ष्म जीव का नाम हम बताते हैं सैक्रोमाइसिस सेरिबीसी, एक यीस्ट है। इसका प्राचीन काल से उपयोग बियर, वाइन, ब्रांडी, रम आदि बनाने में किया जाता है और एंटीबायोटिक्स में भी इसका उपयोग होता है। तो एक प्रमुख एंटीबायोटिक पेंसिलीन, इसका उत्पादन किससे होता है, पेंसिलीनियम नोटेटम नामक सूक्ष्म जीव से होता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बच्चों ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जाता है। ऊर्जा के स्रोतों के रूप में आपने देखा होगा कि बायोगैस का उपयोग हम लोग करते हैं। गांव में आपने देखा होगा कि जो गोबर होता है गाय भैंस से जो मिलता है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम बायोगैस उत्पन्न करते हैं और उसका उपयोग, जो गैस उत्पन्न होती है उसका उपयोग हम लोग भोजन पकाने में और प्रकाश उत्पन्न करने में करते हैं। तो बच्चों जो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग है इसका उपयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जाता है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में अभी हमने बताया भोजन पकाने या प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। तो बायोगैस क्या होता है बच्चों, बायोगैस
एक प्रकार की गैसों का ही मिश्रण होता है, लेकिन उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? मीथेन गैस होती है। तो बायोगैस क्या होता है बच्चों? बायोगैस एक प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। तो ये मीथेन गैस कैसे उत्पन्न होती है उसमें? तो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के द्वारा ही ये मीथेन गैस उत्पन्न होती है। जो गोबर होता है उसमें क्या होता है? उसमें पादपों के सेलुलोज क्या होते हैं? बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं, क्योंकि गाय भैंस क्या खाती हैं? हरी घासें यही सब खाती हैं, इसलिए गोबर में क्या होता है? पादपों के सेलुलोज भी उत्पन्न बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। जो पादपों के सेलुलोज भी उत्पन्न गोबर में होते हैं, इनका ही प्रयोग हम किस में करते हैं? बायोगैस उत्पन्न करने में करते हैं। गोबर में एक बैक्टीरिया होता है बच्चों, मिथेनो बैक्टीरिया। इसका उपयोग किस में किया जाता है? मीथेन का उत्पादन करने में किया जाता है। तो बायोगैस मुख्य रूप से क्या होता है? गांव में खाना पकाने और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सेलुलोज पदार्थों में अवायवीय रूप से उगते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। तो क्या होता है कि बायोगैस कैसे बनती है बच्चों? सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के द्वारा बनती है। तो जो गाय भैंस होते हैं वो क्या खाते हैं? हरी घास खाते हैं। तो इसलिए पादपों में क्या होता है? सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए उनके गोबर में भी क्या होता है? सेलुलोज बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? सेलुलोज भी उत्पन्न का हम उपयोग करते हैं बच्चों बायोगैस उत्पन्न करने में। और गोबर में क्या होता है? एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे मिथेनो बैक्टीरिया कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग मुख्यतया मीथेन गैस उत्पन्न करने में करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो सेलुलोज पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं। अवायवीय रूप से उगने का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है वहां पे, इसलिए वो बैक्टीरिया वहां पे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन गैस भी उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने आज देखा कि सूक्ष्म जीवों का घरेलू उत्पादन में क्या महत्व है, और सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक और औषधीय उत्पादन में क्या महत्व है, और सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी करते हैं। तो बच्चों यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।